इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को भी दबाएं सबसे पहले वीडियो पाने के लिए, और हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा, इसलिए लाइक को भी दबाएं हमारी वीडियो अच्छी लगे तो। दोस्तों, मैं पंकज दवानिया आज आपके लिए लाया हूँ मिनी पेट्रोल इंजन का पूरा असेंबल करेंगे, और इसकी क्रैंक बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। जैसे कट जाती है तो उसमें नंबर ज़्यादा आ गया है, तो उसकी वजह से हम इसका सारा सामान इसमें डालेंगे। तो ये देखें, गरारी इसकी डालेंगे हम, टाइमिंग गरारी तो ज़्यादा इसी की होती है, क्योंकि इसमें सब चीज़ इसमें निशान लगे रहते हैं और हम ऐसे ठोक देते हैं। पर जब हम क्रैंक की गरारी डालेंगे तो किस तरीके से डालेंगे तो आप देख सकते हैं, ये हमारे हाथ में नई गरारी है और नई क्रैंक है, और इस क्रैंक में हम गरारी डालेंगे तो किस तरीके से डालेंगे तो ये देखें आप। इसमें से हम पुराने में से गरारी निकाल लेते हैं, इसमें बोल्ट लगा के इसे नीचे रख के इसमें चोट मारते हैं हथौड़े की, तो ये निकल जाती है। तो आप देखें, एक तरफ इसमें निशान लग रहा है, एक तरफ इसमें खाली है। तो इस तरफ जैसे निशान लगा हुआ है, हम इसको ऐसे ही लगा देते हैं, और इस चाबी का नक्का कटा हुआ है तो चाबी की जगह चाबी आ जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है, ये चाबी ढीली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्यों ढीली रहेगी तो दिक्कत करेगी। तो ये देखें, आपके निशान यहाँ पे लग रहा है, और जो आपका लगता है कि हम नई गरारी लगाते हैं और उसमें निशान नहीं है, तो आप दंते गिन सकते हो और उतने पे ही इसका दोबारा निशान लगा सकते हो। तो दंता ऊपर करके तो आपको उल्टे हाथ को घड़ी के हिसाब से गिनना है, ठीक है, जैसे घड़ी चलती है तो इस तरीके से गिनना है, तो आपके दंते बिल्कुल सेट होएंगे और फिर आप इस पर दोबारा निशान मार के इसे ठोक सकते हो। तो हम इसमें चाबी लगाते हैं एक, और चाबी लगा के इसे ठोक देते हैं, और इसे ठोक के फिर हम आपको चला के चेक करा के भी दिखाएंगे, क्योंकि ये आपका जो इंजन है ये पंप में भी आता है काम, वाइब्रेटर भी करता है, और कंप्रेसर में भी, मतलब किसी चीज़ में भी आप इसे पेट्रोल डाल के घुमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप अल्टरनेटर या मोटर कोई भी चीज़ घुमा सकते हो इससे, ठीक है जी। तो ये देखें, इसमें हम इसकी चाबी लगाएंगे, चंद चाबी आएगी आधी कटी हुई, तो वो लगा के इसे हम इसको गरारी को ठोकेंगे जिससे कि ये सही बैठेगी। तो ये देखें, आपको ये ध्यान रखना है ज़्यादा टाइट ना हो, और ज़्यादा टाइट होगी तो गरारी हमारी टूट जाएगी। तो ये देखें, अब हम इसकी चांद चाबी लगा देते हैं, तो चांद चाबी बिल्कुल ही बैठ जा रही है। तो आपको इसकी सेटिंग करनी है, ऊपर से नहीं बैठ रही यहाँ से, क्योंकि यहाँ से भी बैठनी चाहिए और पूरी फिक्स आनी चाहिए इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, क्यों फिक्स नहीं आएगी तो हमारी ये गरारी बैठेगी नहीं। तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि ये हमारी अच्छे तरीके से बैठे और गरारी सही काम करेगी। तो इसको हम लगा के ठोक के देखते हैं, और जो सही नहीं बैठेगी तो हमें घिसनी पड़ेगी रेती से, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं, इसे हमने ठोक दी, और ठोकने के बाद बिल्कुल ही बैठ गई है, कोई गैप नहीं बचा है इसमें पीछे की तरफ। तो ये देखें, इस साइड निशान भी है, ये देखिए हमारा चिन्ह पूरा दिखाई दे रहा है, जिससे हम टाइमिंग मिलाएंगे तो हमारी अच्छे तरीके से बैठ गई है। तो अब हम इसमें पिस्टन फंसा दिया, हमने पिछली वीडियो में काफ़ी वीडियो बना रखी है, वो देख सकते हैं, हम दूसरी दूसरी वीडियो इसलिए बनाते हैं, आपको उस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो इस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये देखें, इसमें हमने नया पिस्टन घेरा, नई क्रैंक घेरी है, तो आप देख सकते हैं कितना गैप है, इसमें एक आरी का ब्लेड रख के देखोगे तो उतना ही गैप है। तो देखिए, हमने टाइमिंग मिला दी है, हमारी टाइमिंग बिल्कुल सेट वहीं आई है, देखें उस पर भी पॉइंट लग रहा है, इस पर भी, आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। हमने इसका हेड फिट कर दिया, टाइमिंग मिलाने के बाद हमने हेड फिट कर दिया, कोयल प्लेट लगा दी, कोयल लगा दी, ये देखें। अब इसे हम धीरे धीरे पूरा फिट कर लेते हैं, और जो आप और बारीकी से देखना चाहते हो तो मैंने दो तीन वीडियो और बना रखी हैं, प्लेलिस्ट में जाके वो भी देख सकते हैं। तो देखें जी, हमने फिट कर लिया, अब उसके फिट करने के बाद अब इसका हम बाकी सामान लगाते हैं, जो भी आइटम है आपको हेड कसने के, जब आप हेड कसते हो तो आपको पिलक ज़रूर लगा लेना ध्यान से, क्या होता है पिलक नहीं लगाने से कुछ गिर जाएगा इसमें बोल्ट वोल्ट, तो हमारा फिर पिस्टन में निशान आ जाएंगे, दाग आ जाएंगे, और हमें फिर दोबारा से खोलना पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम हेड लगाएं इसके ऊपर का, तो हमें इसमें प्लग लगा लेना है, उसके बाद हमें हेड कसना है और बाकी सारे काम करने हैं। तो ये देखिए, हमारा ये इंजन ओके हो गया है, और हमने पूरा फिट करके
ये देखिए आप साउंड किस तरीके से है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, एक किक में स्टार्ट है, तो आप देख सकते हैं एक किक में स्टार्ट है। हम इसे थोड़ा चला के और फिर इसके बाद हम इस पर लोड गिर के देखेंगे कि कैसे लोड ले रहा है। तो इसमें हम जो वाइब्रेटर होता है, जो लेंटर वेंटर गिरते हैं, उसकी हम लीड चला के देखेंगे। जो आप लोग कहोगे तो उसकी लीड की रिपेयरिंग की वीडियो दिखाएं, तो उसकी भी वीडियो दिखा देंगे हम आपको, किस तरीके से रिपेयर होता है, क्या सावधानी रखनी चाहिए और किस तरीके से लंबे टाइम तक चलता है। तो ये देखिए हमारे ये बढ़िया हवा निकली है, तो कई बार क्या होता है तेज कम लगने लगती है, तो कहीं से भी हमारे रहती है, उसकी वजह से हमारा इंजन गर्म ज़्यादा होता है। आपको ध्यान रखना है हमारा इंजन गर्म नहीं होती है और हमारी जो हवा है पूरे इंजन को गर्म होती है। इसको गूगल यूज करते थे और आपको दिखाते हैं हमारी बढ़िया देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी बिल्कुल बढ़िया काम कर रही है। तो यहाँ पे जो बारिश होती है हमने गाना था और ये देखिए बिल्कुल बढ़िया चल रही है, किस तरीके से वाइब्रेट कर रही है। तो मसाले को जब भी वाइब्रेट करती है नीचे तक दिखाती है, आप देखते रहें और वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें।